NTAUGC NET यानी इमेज नेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट के स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे एड फ्री 2012 से लेके जून 2020 तक, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे। आज तक जैसे कि रिसर्च के जो क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग हैं, और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको वीडियोस दी जाएंगी, प्लस में नोट्स दिए जाएंगे। और दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। अगर आप 3 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 399 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो 699 रुपये में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर के बाद में ये इस कोर्स की फ़ीस बढ़ने वाली है, तो जल्दी से जल्दी किसी भी दोस्त को अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 8053124204 पे हमें मैसेज कर सकते हैं, और लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमेज नेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ICT के अंदर 2012 से लेके 2020 तक रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है ICT के अंदर मेमोरी से जो क्वेश्चन रिपीट हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं मेमोरी से रिलेटेड वो हम सभी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं 2012 से लेके, और अभी हमारा एग्ज़ाम जो हुआ है 2020 उसमें भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए मेमोरी से रिलेटेड। और दोस्तों हमने सभी यूनिट की ऐसे PDF बना रखी है। ये देखिए दोस्तों, ये जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 37 आप देख सकते हैं, एक गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 GB किसके इक्वल टू होता है, तो इसका आंसर है 1024 MB। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखना किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और अगर आप ये रिपीटेड क्वेश्चन कर लेते हैं और जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो कर लेते हैं तो बिल्कुल आसानी से आपका नेट और GRF क्लियर हो सकता है। ये देखिए जून 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें इन्होंने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन करेक्टर, 1 बिलियन करेक्टर किसके इक्वल टू होता है, तो इसका आंसर है दोस्तों गीगाबाइट। ठीक है, अब देखिए इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, अगर मिलियन की बात कर ले, मिलियन की बात करेंगे तो मेगाबाइट आएगा, एम से मेगाबाइट। ठीक है, मिलियन मतलब मेगाबाइट, और अगर यहाँ पे ये बात कर ले, बिलियन की बात कर ले तो यहाँ पे आएगा गीगाबाइट, और ट्रिलियन की बात कर ले दोस्तों, 1 ट्रिलियन करेक्टर इज इक्वल टू, तो किसके आएगा टेराबाइट के, ट्रिलियन टेराबाइट, टी से टी, एम से एम, ठीक है, और बी से जी। तो ये ट्रिक मैंने आपको पहले बताई हुई है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, इन ए कंप्यूटर ए बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, ए बाइट, एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, तो ये देखिए 8 बिट्स होते हैं। तो बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आगे देखते हैं आगे किस तरह से रिपीट हुए। ये देखिए, ये हमारा एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे इफ़ 1 GB इज इक्वल टू 2 की पावर 30 बाइट्स ऑफ डेटा स्टोरेज। ठीक है, 1 GB अगर 2 की पावर 30 बाइट्स के इक्वल है तो 1024 TB इज इक्वल टू किसके होगा, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 2 की पावर 50 होगा। ठीक है, लेकिन UGC ने इसका जो आंसर है 2 की पावर 53 दिया हुआ है, ये आंसर इसका रॉन्ग आंसर है दोस्तों। और ये आंसर कैसे ठीक होगा, इसकी ट्रिक हम मैंने आपको बताई है, बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए जब हम इसकी पावर की बात करते हैं तो पावर 10, 20, 30 इस तरह से बढ़ती हुई हमारी जाती है, तो गीगाबाइट में 2 की पावर 30 हो जाएगा, फिर आएगा हमारा टेराबाइट, टेराबाइट में 2 की पावर 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 1024 TB की बात कर रहा है, 1024 TB यानी कि 1 PB यहाँ पे होगा, तो उसमें कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 की पावर 50 यहाँ पे होगा, तो इसका आंसर 2 नहीं होगा, 2 की पावर 50 आंसर नंबर ए होगा, लेकिन यहाँ पे UGC ने इसका आंसर 2 दिया, ये रॉन्ग आंसर है दोस्तों। और आगे हम देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, मेमोरी से रिलेटेड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइम फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्पीड। अब स्पीड के मामले में दोस्तों ये चीज़ भी हमें पता होने जरूरी है, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। ये देखिए इसका आंसर है, आंसर 3 है, CPU रजिस्टर,
और फिर है कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी। हाईएस्ट टू लोवेस्ट, सबसे हाई स्पीड किसकी है? सीपीयू रजिस्टर की है दोस्तों, उसके बाद में कैश मेमोरी की है, उसके बाद में मेन मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। और अगर स्टोरेज की बात कर लेना दोस्तों, स्टोरेज की बात करें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। स्टोरेज के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज सबसे पहले आएगा, इसकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद हमारा मेन मेमोरी आएगा, फिर कैश मेमोरी आएगा, फिर सीपीयू रजिस्टर आएगा। ठीक है, और आगे ये देखिए, नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर देखिए, द डेटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ, इसमें देखिए, इसमें हमें डेटा स्टोरेज बताना है, अरेंज करना है। तो इसमें इसका आंसर है दोस्तों, टू आंसर है। सबसे पहले बिट्स होता है दोस्तों, सबसे छोटी इकाई हमारी बिट्स होती है, फिर बाइट्स होती है, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ये जितनी भी सीक्वेंस है दोस्तों, इन सीक्वेंस को आप अच्छे से याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। और ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए विलियन करेक्टर। अब देखिए, अभी हम करके आए थे ना पीछे, यही डिट्टो कॉपी क्वेश्चन करके आए हैं, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन करके आए हैं। और मैंने बताया था, बिलियन की बात करें तो गीगावाइट आएगा, मिलियन की बात करें तो मेगावाइट आएगा, ट्रिलियन की बात करें तो टेराबाइट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे हैं, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने फिर से पूछ लिया स्टोरेज को, स्मॉलेस्ट टू हाई लार्जेस्ट यूनिट में हमें अरेंज करना है। सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इसका आंसर नंबर थ्री है दोस्तों। थ्री के अंदर क्या है हमारा, एफ बी ए, एफ बी ए सी, एफ बी, ये देखिए, एफ हमारा क्या है दोस्तों, एफ है हमारा बिट्स, बिट, बाइट्स, ये हो गया, फिर किलोबाइट होगा, फिर मेगाबाइट होगा, और फिर गीगाबाइट होगा, और फिर टेराबाइट होगा। तो आप इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरह का क्वेश्चन 2020 के अंदर भी आया है, किस तरह से रिपीट हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। और इनमें से हो सकता है दोस्तों, हम जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, इनमें से 2021 में भी क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए, हमारा एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा गलत है, गलत हमें बताना है। अगर हमें सही के बारे में पता होगा तो हम गलत आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, 1 गीगाबाइट, 1 GB इक्वल टू कितना है, 1024 × 1024, 1024 बाइट्स के इक्वल टू है। तो देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आगे देखते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं हमारे मेमोरी से रिलेटेड। और अगर आप दोस्तों सभी यूनिट के इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन देखते हैं, रिसर्च के अंदर, टीचिंग के अंदर, आईसीटी के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका नेट तो क्या, आपका जीआरएफ भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो ये नोट्स ले सकते हैं, हमने सभी यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं। अगर आप इनको करते तो आपका बिल्कुल आसानी से नेट जीआरएफ हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आ गया, 8 TB इज इक्वल टू 1 TB किसके बराबर होता है, ये इन्होंने पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है 2 दोस्तों, 1024 GB है। कितना आसान आंसर है दोस्तों, कितना आसान आंसर है। और ये थ्योरी वीडियो भी हमने करवाई हुई है दोस्तों, आप थ्योरी वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाना, आईसीटी की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको थ्योरी भी इनकी मिल जाएगी। और आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है हमारा मेमोरी से रिलेटेड। काफ़ी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, 2020 में भी आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए, 47 क्वेश्चन नंबर 47 एक बार फिर आ गया, और इसके अंदर इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन सा गलत है, गलत हमें बताना है। तो वही बात आ रही है दोस्तों, अगर हमें सही का पता होगा तो हम गलत निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मेगावाइट की बात कर रहा है, तो मेगावाइट में दोस्तों 1024 × 1024 × 8 बिट्स हमारा आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं इसके बाद किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए इसमें से। और उसके बाद हम 2020 में भी देखेंगे दोस्तों, 2020 में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं इसमें से। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना दोस्तों, ध्यान से देखना। और अगर आप चाहे तो दोस्तों नोट्स भी ले सकते हैं, सभी वीडियोज़ भी ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर लेस्ट मैच, यानी कि कौन सा सबसे कम मैच कर रहा है। ये देखिए, जून 2019 का क्वेश्चन पेपर है,
और वही बात आ रही है, अगर हमें सही का पता हो जाए तो हम गलत निकाल सकते हैं। 1 GB इक्वल टू 1024 × 1024 × 1024 × 8 बिट्स की बात चल रही है यहाँ पे। दोस्तों बिट्स की बात चल रही है, और ऊपर जो आया था ना दोस्तों वहाँ पे बाइट्स था। अगर बाइट्स पूछ लिया जाए तो ये 8 नहीं आएगा दोस्तों, ये 8 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, 1024 1024 और 1024 बाइट्स आएगा। यहाँ पे बिट्स पूछा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, बिट्स और बाइट्स दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना आप। और आगे देखिए, 1 TB ऑफ मेमोरीज इक्वल टू 1 TB किसके बराबर है, ये हमें बताना है दोस्तों। और 1 TB का ऊपर भी आया था ना एक क्वेश्चन आया था, तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन डिट्टो कॉपी रिपीट हो रहे हैं। और मैं आपको बहुत बार कहता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन हमारे डिट्टो कॉपी रिपीट होते हैं, तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के अंदर क्वेश्चन पेपर कीजिए, जितने ज़्यादा हो उसके उतने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर कीजिए। अब देखिए इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर 3, 1024 1024 और 1024 KB, यहाँ पे KB इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों। और इसके बाद देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आए, ये देखिए ये हमारा आ गया, एक कंप्यूटर हैज़ मेन मेमोरी ऑफ 960 KB, है ठीक है, एक कंप्यूटर के अंदर 960 KB है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स कंटेन इन दिस मेमोरी, बाइट्स कितनी होगी वो हमें बताना है दोस्तों। अब इसका आंसर है दोस्तों 3 है, बाइट्स हमें बताना है। अब देखिए बाइट्स हमें बताना है, अगर यहाँ पे बिट्स आता ना तो 8 का यूज़ करते हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बाइट्स पूछा हुआ है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा दोस्तों, 960 × 1024, ये इसका राइट आंसर है। और दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारी थ्योरी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, हमने बहुत अच्छे तरीके से मेमोरी के बारे में आपको बताया हुआ है, हर एक चीज़ अच्छे से समझाई हुई है। और ये देखिए ये हमारा एक और क्वेश्चन आ गया मेमोरी से रिलेटेड, 2 दिसंबर इवनिंग को पेपर हुआ था ये, कंसाइडर द फ्लोइंग स्टोरेज, स्टोरेज हमें बतानी है दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर में बतानी है, तो इसका आंसर है दोस्तों, आंसर देख लेते हैं, आंसर 1 है इसका, BCA, B CD-ROM और फिर है DVD-ROM और फिर है हार्ड डिस्क। सबसे कम मेमोरी किस में आती है दोस्तों, CD-ROM में आती है, हमें पता है CD में बहुत कम मेमोरी होती है, और फिर DVD में उससे ज़्यादा होती है, फिर हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है। तो देख लीजिए कितने आसान क्वेश्चन हैं दोस्तों, कितने आसान आसान क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, बस थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब देखिए ये हमारा 3 दिसंबर 2000 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, किसके अंदर सबसे ज़्यादा डेटा आ सकता है वो इन्होंने पूछा हुआ है। अब देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क में भी कम आता है, फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ होती थी आज यूज़ नहीं होती, मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क इसके अंदर भी कम आता है, सबसे ज़्यादा दोस्तों हार्ड डिस्क के अंदर बहुत डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और हार्ड डिस्क से रिलेटेड ऊपर भी क्वेश्चन आया ना, ये देखिए ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी हम करके आए हैं, जस्ट अभी करके आए, ये देखिए हार्ड डिस्क वाला ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी सबसे ज़्यादा स्टोरेज हार्ड डिस्क में थी, और ये यही क्वेश्चन हमारा दोबारा रिपीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये 4 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, द टर्म 1 GB रेफर टू, अब देखिए दोस्तों 1 GB 1 GB से रिलेटेड अभी तक 4 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं 1 GB से रिलेटेड, तो देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और ये इसका आंसर क्या है, 2 1024 MB, आप देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको कोई फेक नहीं दिखा रहा, ठीक, आपकी आंखों के सामने लाइव है, प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ। जो दोस्त ये कहते ना कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, वो आज देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इसी तरीके से पेपर सेकंड में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ आपको कि जितने ज़्यादा हो सके ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए, अगर आपको नेट और GRF क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। और देखते हैं और हमारे कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये तो दोस्तों हमारे 2019 तक थे, अब हम 2020 में जो एग्ज़ाम हुए ना उसमें देखते हैं कि मेमोरी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमारे आए हैं। अब ये देखिए ये है हमारा, ये देखिए, निम्नलिखित में से उच्चतम स्पीड की दृष्टि से कंप्यूटर मेमोरी की सही सूची कौन सी है, स्पीड के मामले में हमें बताना है दोस्तों, उच्चतम, देखिए द्वितीय भंडारण, मुख्य मेमोरी,
कैश मेमोरी, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका आंसर नंबर 3 है, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा एक और क्वेश्चन आया है मेमोरी से रिलेटेड, वो भी हमने पहले किया हुआ है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले हमने किया। ये देखिए, भंडारण इनका इकाइयों के आकार व संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है, ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखिए, पहले हम करके आए थे के बी, एम बी, जी बी और टी बी, ये करके आए थे। अब इन्होंने टी बी से आगे की बात इन्होंने पूछ ली। अब देखिए, टी बी के बाद क्या आता है दोस्तों, हमारे पास पेटावाइट आता है, फिर एग्जावाइट आता है, फिर जेटावाइट आता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना दोस्तों। और ये पूरी की पूरी सीरीज मैंने आपको करवाई हुई है, हमारी जो थ्योरी वाली वीडियो है वो आप देखना दोस्तों, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिन्होंने थ्योरी वीडियो की हुई है उनको बहुत अच्छे से पता है। टेराबाइट आए, देखिए पहले आएगा के बी आएगा, फिर एम बी आएगा, फिर जी बी आएगा, फिर टी बी आएगा टेराबाइट, फिर पी बी आएगा पेटाबाइट, फिर आएगा एग्जाबाइट, फिर आएगा जेटाबाइट आएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से हमारे 2012 से लेके 2020 तक क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन वही होते हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के वो दे देते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों, हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों, हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों, अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है।